हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका टेक गुरु। आज का ये वीडियो जनरल क्वेश्चंस पे है सिर्फ, ओके। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और उसके आंसर भी बता दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब हम लोग कर सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर है नहीं है। एज पर यहाँ के गवर्नमेंट लॉ आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है? क्योंकि आप अगर हाँ कर सकते हो आप अगर आप हस्बैंड वीजा पे हो तो, ठीक है? मतलब रूल अलग है। अगर आप एम्प्लॉय, मैं नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरा वीज़ा कंपनी ने प्रोवाइड किया है मुझको, तो मैं सिर्फ उनके लिए काम कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे नहीं कर सकता। अगर अगर किसी की वाइफ यहाँ पे हस्बैंड वीज़ा पे है, मतलब उसके भी पति के वीज़ा पर है, तो वो औरत यहाँ पे काम भी कर सकती है विदाउट कंपनी वीज़ा और वो पार्ट टाइम भी कर सकती है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन मुझे बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि सर हमने अगर दुबई के लिए डॉक्यूमेंट सब भेज दिए और हम अगर ना यहाँ पे आए तो क्या होता है? तो उनके लिए भी ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि फर्स्ट बात तो आप ऐसा मत करिए, आपको नहीं आना है तो ट्राई ही मत कीजिए। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको, जैसे मैंने पहले बोला था कि दुबई नाम से अट्रैक्ट होते हैं और ट्राई करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आपको सच में काम की ज़रूरत है, काम करना है, तो ही आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, ठीक है? नहीं तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स मत भेजिए। आपने अगर डॉक्यूमेंट भेज दिए और आपको यहाँ पे नहीं काम करना है तो वीज़ा बनने से पहले आप उनको बता दीजिए। नहीं तो कंपनी का 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है वीज़ा पर, वो वेस्ट जाएगा, वो आपको बैन कर देते हैं फिर, ठीक है? बैन लगता है यहाँ पे, बैन होता है, तो आप बैन हो जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपके लिए। तो ऐसा करना नहीं है। ये क्या छोटे बच्चों का खेल नहीं है कि सब हो गया और मैं नहीं आया तो, ठीक है? अगर आपको सीरियसली घर के लिए कुछ करना है, पैसे कमाना है, तो ही आप ट्राई कीजिए, नहीं तो ट्राई मत कीजिए, ठीक है? और यहाँ से पैसे कैसे भेजने दोस्तों, इंडिया अगर भेजने तो, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं हर 1 किलोमीटर पे, हर नुक्कड़ पे यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, मनी एक्सचेंज। तो वहाँ से आप डायरेक्टली आप अपने मुल्क, अपनी कंट्री, कहाँ पे भी आप पैसे भेज सकते हो दोस्तों। आसान तरीका होता है, अब अगर आपका बैंक अकाउंट है इंडिया में, NRI बैंक अकाउंट बोलते हैं उसको, NRI बैंक अकाउंट अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल गए तो बनाना है, उसको टैक्स नहीं होता इंडिया में, मगर मतलब आप यहाँ से कितना भी पैसा अगर उस अकाउंट में डालते हो दुबई से, तो उसमें टैक्स नहीं होता है क्योंकि वो NRO अकाउंट होता है, ठीक है? NRE के लिए ही टैक्स नहीं होता है, NRO अगर आप बनाते हो तो उसको टैक्स होता है दोस्तों, ठीक है? मनी एक्सचेंज, इंडिया के पैसे। आप अगर आप यहाँ पे जॉब के पर्पज से आप यहाँ पे आ रहे हो, और नहीं तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो, तो बहुत सारे बंदे क्या करते हो, कौन सा कार्ड एक मिलता है बैंक में वो ले लेते हैं, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं, उसमें बहुत पैसा जाता है दोस्तों। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप दुबई आ रहे हो तो आपको कैश कैरी करनी है, कैश लेके आप आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिया में आपकी करेंसी कन्वर्ट नहीं करनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इंडिया में आपकी करेंसी कन्वर्ट नहीं करनी है। आपको जो इंडियन रुपीस है आपको दुबई लेके आने हैं, और दुबई एयरपोर्ट पे आपको वो करेंसी चेंज करके मिल जाएगी, ठीक है? जो भी आपके है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो पैसा है, रेट है, उससे मिल जाता है, मगर आपने अगर इंडिया से इंडिया में अगर वो करेंसी ट्रांसफ़र कर ली दिरहम्स में, तो इंडियन कमीशन भी बहुत लेती है और करेंसी का मार्जिन भी बहुत कम होता है, तो आपको पैसा बहुत कम मिलता है वहाँ पे। तो आपको वो नहीं करना है। आपको दुबई में जब आते हो एयरपोर्ट पे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सिटी में बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं नुक्कड़ नुक्कड़ पे, तो कहीं भी आप कर सकते हो, ठीक है? चलो ऐसे ही कुछ आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स से डाल दीजिए वहाँ पे, नहीं तो मेरा ईमेल आपके पास है दोस्तों, ईमेल पे भेज सकते हो, मैं सबके ईमेल के रिप्लाई भी देता हूँ दोस्तों। और रही
चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। अभी मैं सब्जेक्ट निकाल रहा हूँ किस किस टॉपिक पे सब वीडियो बनाना है। फिर आपको मेरा एक प्लान है कि आपको दुबई की टूर भी कराऊँ यहाँ पे बाय वीडियो, मतलब कैसा होता है क्या होता है आपको दिखाना है, क्योंकि अभी जो मैंने क्लिप्स डाली थी पिछले हफ्ते वो छोटी थी, ठीक है। तो एक मैं पूरे दिन का एक वीडियो निकालूंगा, ठीक है, कहाँ से कैसे घूमते हैं वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिर कैसे कहाँ पे जाना है, बस कैसे पकड़नी है, टैक्सी कैसे पकड़नी है, कैसा यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, तो वो वीडियो में समय सब कुछ कवर कर लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए। हाँ, एक बात और बताना चाहता था मैं कि मुझको कमेंट्स आते हैं कि मेरे लिए जॉब है क्या, सब लोग ये पूछते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दुबई में सबके लिए जॉब है, ठीक है। ऐसा कुछ काम यहाँ पे नहीं है जो बंदा कर नहीं सकता है। बहुत सारे एज्ड पर्सन हैं मुझे पूछते हैं कि सर मैं 45 एज का हूँ, मैं 50 एज का हूँ, हमारे लिए काम है क्या, टेलरिंग का काम है क्या, वॉच रिपेयरिंग का काम है क्या। सबके लिए यहाँ पे काम है। ऐसा कुछ कारपेंटर का काम है क्या सर? कल मैंने एक कमेंट देखी, मोटर बाइक मैकेनिक था वो, शायद वो पूछ रहा था सर वहाँ पे मोटर बाइक की कंपनी है क्या। यहाँ पे सब है, सबके लिए यहाँ पे काम है। और मैं एक देख रहा हूँ कि गर्ल्स लेडीज वुमेंस का रिस्पॉन्स कम है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा काम होता है दोस्तों। जो आप इंडिया में काम करते हो वो यहाँ पे भी काम है, ओके। तो आप भी ट्राई करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सुनते हो पिक्चर में मूवी में दिखाते हैं कि दुबई गैंगस्टर है ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सिक्योर कंट्री है, बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो मैं बॉन्ड पे लिख के देता हूँ आपको, आप वापस नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, यहाँ पे सैलरी ही इतनी अच्छी मिलती है कि आप वापस नहीं जाओगे दोस्तों, ठीक है। सीवी का फॉर्मेट भी मुझको बहुत बंदे मांगते हैं, मैंने वो सबको भेजा है, कुछ बंदे रहेंगे। मैं अभी क्या करूँगा, वो कहाँ पे गूगल ड्राइव पे एक लिंक बनाऊँगा और हर वीडियो के नीचे वो लिंक मैं डाल दूँगा दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि आपको सीवी का फॉर्मेट डायरेक्टली वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वेट करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे बंदे, एक बात बोलता हूँ, सबके लिए काम है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए काम नहीं है, सबके लिए काम है यहाँ पे। जो भी आप कोर जॉब करते हो, अगर आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस है उसका, तो आपको यहाँ पे काम मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ आपको निकालना है पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट हो तो ही अप्लाई कीजिए। मेरे पहले वाले वीडियोज भी देख लीजिए, मैंने सबके लिए पार्ट्स बनाए हैं, 1 to 22 शायद अभी पार्ट शुरू होगा, तो पार्ट बाय पार्ट आप देख लीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस हो मुझको डायरेक्टली पूछ लीजिए, मैं आपके आंसर के लिए तैयार हूँ, कभी भी आंसर दे देता हूँ मैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।